बताऊं रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास लिखा जाएगा, भारी संख्या में पुरुष शनि खा रहे हैं, पुरुष शनि को सलाब उमड़ रहा है। हमने टेंट समियाना भोजन पानी के साथ साथ पूर्व सैनिक और संगठनों के प्रधानों के स्वागत के लिए चार ढोल वाले भी रखे हैं, गुलाब के फूल भी रखे हैं। जी हाँ सैनिक भाइयों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनचाही भीड़ क्यों नहीं जुटा पाए, जबकि ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा और 1 लाख पूर्व सैनिकों के खाने का प्रबंध करने के बावजूद वो भीड़ नहीं जुट पाई जो ये संगठन अपेक्षा कर रहे थे, और यही उनकी राजनीतिक मंशा को जाहिर करती है कि ये लोग फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के विरोध में ये रैली कर रहे थे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का समर्थन करते हैं, क्योंकि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का एक अपना संविधान है और उनकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि जंतर मंतर धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों का विचार है कि उनकी राजनीतिक मंशा और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के विरोध के कारण पूर्व सैनिक भारी मात्रा में इकट्ठे नहीं हो पाए। आइए सुनते हैं जंतर मंतर धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों का क्या कहना है। वो किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसी का मतलब है उनका, उनका आने वाला चुनाव में वो अपना राजनीति चेहरा चमकाना है और राजनीति का टिकट लेना है। देखो वो आरोपी में यहाँ बैठ के 6 महीने से ऊपर यहाँ बैठा हुआ है, मान लो यहाँ से अगर पेंशन में बढ़ोतरी होगा तो कितना बढ़ोतरी होंगे, 1500 बढ़ोतरी होंगे, 2000 का बढ़ोतरी होंगे, रोने के बाद होंगे। लेकिन एक राजनेता बन गया तो वो एक MLA बन गया, एक MP बन गया, यार 6 महीने में इस्तीफा दे दो, उसका बार दोबारा शपथ दे दो, फिर इस्तीफा दे दो, सब है उसके अंदर, इनको अच्छी तरह पता है। क्योंकि ये 2000 के पीछे, अरे कम से कम 5 साल के अंदर कम से कम 10-10 पेंशन बनाएंगे वो, फिर उनका पीढ़ी तक लेके जाएंगे। आपने सही क्वेश्चन पूछा है, हम लोग यहाँ 168 डेज से बैठा हुआ है, तो फिर अलग से रामलीला मैदान का जो ड्रामा क्यों हुआ, मैं उसको रामलीला मैदान का एक्सरसाइजमेंट का रैली तो मैं नहीं कहूँगा, जो एक वो एक राजनीति का ड्रामा था वो, जो कि सेना में भी लोग रहता है उनको भी राजनीति होता है। हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो बना है उसका बायलॉस में राजनीति प्लस ऑफिसर को बाहर किया है, तो वहाँ राजनीति और ऑफिसर का जो संगठन ने मिलके वहाँ पर उन्होंने आज एक राजनीति खेल रखा है, उस खेल के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है जो JCO जवान का खंधा पिछले 75 साल से यही हो रहा था, उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ अलग बैठ के अपना फेडरेशन बनाया था, कामयाब हो गया। हमारा फेडरेशन से डर के, JCO जवान का फेडरेशन डर के हमारा विपक्षी, हमारे से ही कुछ लोग विपक्ष हो जाता है, उन्होंने हमारा टांग खींचने में लगे थे, उन्हीं का ही वहाँ चला था, जो उसी में इतना कामयाब, अगर उधर स्ट्रेंथ भी आया था, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से इतना फ़ोन कॉल मेरे पास आते थे, लोग बोलता है पूर्व सैनिक जो दूर दूर से, सर जो मतलब जंतर मंतर में जो अनशन चल रहा है उन्हीं का एक बड़े रैली जो अपना रामलीला मैदान में रखा गया है उसके लिए हमारे लिए क्या आदेश है। तो हमने उनको ये बोला है यहाँ 144 लगे, बड़े बड़े रैली के कोई आदेश नहीं है, लेकिन 15 तारीख तक नहीं होंगे। तो यहाँ हमने ये भी देखा था 31 तारीख को जंतर मंतर में करने वाला एक रैली, वहाँ से पुलिस ने वहाँ से उठवा के यहाँ जंतर मंतर में लाए थे, लेकिन इनको ये परमिशन अभी मिलने वाला बात है। सत्ता पक्ष जो है, जो हम बता रहा हूँ सत्ता पक्ष में जुड़ा हुआ हमारा अफसरों ने जो उनका मदद किया, जो कि आप सब जानते हो सुप्रीम कोर्ट भी कोई गलत काम के लिए गलत लोगों को अगर फैसला लेना है तो खुल जाता है रात को 12 बजे, उसी जैसा हमारे को तोड़ने में हमारा जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जन्म जो लिया है उससे दुख होकर परेशान होकर किसी देशीय संगठन जो हमारा पूर्व सैनिक पहले से 75 साल से है उन लोगों का व्यवसाय उनका फैक्ट्री टूट ना जाए ये सोच के उन्होंने एक रामलीला मैदान का एक धरना लिया है। उसमें कुछ लोग आए थे हमारा उत्तराखंड से ज़्यादा लोग इसलिए आए थे 23 तारीख का हमारा यहाँ का जो रैली हुआ था उसमें उत्तराखंड से काफ़ी लोग नहीं आ पाया क्योंकि बाढ़ थी। अभी मौसम साफ हो गया तो उन्होंने सोचा, उस दिन उन्होंने गाड़ियाँ बुक किया था, उसके बाद हमसे भी बात कर रहा था, सर हम लोग ने आए नहीं है, बात एक ही है, तो हमने उसको मना तो नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने आ गया इसलिए उत्तराखंड से कुछ आया था। आपने उस जगह पर देखा होगा एक सरदार जी का मेडिसिन खाने के लिए भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पगड़ी तो आप यहाँ आप देख रहा था 23 तारीख को यहाँ पूरा पगड़ी दिखा रहा, इतना भी नहीं है जो हमारा हमें दिया हुआ जगह पर ऐसे बैनर लेकर आकर रखा था कांग्रेस का, इन्होंने ही कराया था वो, सुबह सुबह आके सरदार जी ने उसको उखाड़ कर फेंक भी दिया। तो जब अपना तुलना में उन्हें ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा कंधा राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कई लोगों ने बड़कावे में आया हुआ है, हमारा नाम ले रहा है,
जो आपको मैं बताऊं, अन्ना हजारे के पास भी जाके उनको बता रहा है 20 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है। हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से, हम सांसद का माध्यम से, हम लोगों ने जो उनको भूख एक दिन का भूख हड़ताल भी रहा, ये सब किया है। हमारा ही नाम ले रहा है, तो हमारा नाम ले रहा है तो दूर दूर में बैठा हुआ पूर्व सैनिक, नई दिल्ली की बात है, रामलीला का बात है और मान लो जंदर मंदिर की बात है, वो कन्फ्यूजन हो जाता है। वो ऐसे जो कन्फ्यूजन होकर लोग आए थे, आज सुबह यहाँ भी आए थे कुछ लोग, वहाँ से निकल के यहाँ हमको फोन कर रहा, सर आप कहाँ हैं, गोपाल सर आप कहाँ हैं करके हमसे पूछ रहा, तो बोला मैं जंदर मंदिर में, तो यहाँ क्यों नहीं है, तो उनको पता नहीं चल रहा, तो वो लोग इधर आ रहा है इधर इधर। सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह जो कि उत्तराखंड गौरव सेनानी के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जितनी भीड़ वो जुटाने की उम्मीद कर रहे थे उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए और अगले प्रदर्शन में अपनी भीड़ जुटाएंगे। वर्षा के कारण मेरा 1/4 ही दल आया है, जब बढ़िया मौसम रहेगा फिर अपनी ताकत फिर से दिखाएंगे आपको। तो सैनिक भाइयों, ये पूरी रिपोर्ट फीडबैक के आधार पर है, इसमें मेरा पर्सनल कोई विचार नहीं है। आप इस रैली के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।